आज आप पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख नदी का भाग टू। भाग वन हम आपको पढ़ा चुके हैं, इस भाग टू में आप पहला नदी पढ़ेंगे उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल से जो भी आपका प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताते हैं। उत्तरी कोयल का उद्गम कहां से हुआ है, उत्तरी कोयल का अगर उद्गम पूछे कि उत्तरी कोयल का उद्गम कहां से हुआ है तो आप बताएंगे रांची के पठार, रांची पठार के मध्य भाग से, रांची पठार के मध्य भाग से। तो रांची पठार के मध्य भाग से इसका क्या हुआ है, ओरिजन ना यहां से ही निकलती है उत्तरी कोयल। और किसमें जाकर के मिलेगी, तो यह जाकर मिल जाएगी सोन में। इसका अगर मुहाना देखेंगे कि मिलती कहां है, तो यह जाकर के आपका सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी ना एक गांव है सुनीपुर ना, सुनीपुर सुनीपुर ना कानी प्रखंड में पड़ता है, वहीं पे जाके सोन नदी में उत्तरी कोयल मिल जाती है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां, उत्तरी कोयल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो मान लीजिए अगर उत्तरी कोयल है, मान लीजिए उत्तरी कोयल आ रही है, इसकी एक है औरंगा नदी। कौन है सहायक नदी, औरंगा, औरंगा नदी है। एक है अमानत, अमानत नदी ना। और एक और इधर से मिल जाती है ना, बूढ़ा नदी, बूढ़ा बूढ़ा नदी। तो देखेंगे इसकी तीन सहायक नदी याद रखेंगे, एक तो है अमानत इधर करके पाटन के पास मिल जाएगी, पाटन के पास, और ये औरंगा है यसीगंज के पास जाकर के मिल जाती है ना उत्तरी कोयल में। और बूढ़ा नदी जो है ये निकलती कहां से है, तो ये आपको महुआ टांग से निकलेगी। कहां से निकलती है, महुआ टांग, महुआ टांग ना, महुआ टांग से। इसका क्या होता है ओरिजन, किसका, बूढ़ा नदी के। और औरंगा नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है लोहरदगा से, लोहरदगा, लोहरदगा से निकलेगी। कौन, औरंगा नदी। और कहां मिल जाएगी, तो ये मिल जाती है लेस्लीगंज में। किसमें, तो ये आपको उत्तरी कोयल में मिल जाती है, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल में मिल जाती है। और उत्तरी कोयल आगे जाकर के किसमें मिल जाती है, तो सोन नदी में मिल जाती है। कहां मिलेगी, सोन नदी में। और बोलते हैं अमानत नदी कहां से निकलती है, अगर क्वेश्चन पूछे कि अमानत नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है चतरा से। कहां से, चतरा जिला से। वहां हजारीबाग के पठार, हजारीबाग के पठार चतरा से अमानत नदी निकलती है, पाटन के पास जाकर के मिल जाएगी उत्तरी कोयल में। और इसी क्वेश्चन क्या बन सकता है उत्तरी कोयल से, तो इसकी बोल सकते हैं कि अपवाद क्षेत्र कहां कहां किस किस जिले में बहती है। एक तो पढ़ेगी गढ़वा ना, गढ़वा में बहेगी ना, एक बार पलामू, और फिर लातेहार, तीन जिला में गढ़वा पलामू लातेहार, ऐसे याद रखें पलामू परमंडल, गढ़वा पलामू और लातेहार, तीन को जिला में ही आपको बहती है। अब देखते हैं ऐसी एक है दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल को आप पढ़ लिए ना, अब हम लोग देखते हैं किसको, दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल दूसरा नदी, दक्षिणी कोयल, तो दक्षिणी कोयल कहां से निकलती है, दक्षिणी कोयल रांची से निकलेगी, नगड़ी गांव से, नगड़ी है, नगड़ी, नगड़ी गांव है रांची, यहां से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी भी यहीं से निकलती है, जो स्वर्ण रेखा नदी हम पढ़ा चुके हैं पिछला वीडियो में, वो भी कहां से निकलती है, रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। ये कहां मिलेगी, मुहाना एक बार देखिएगा, मुहाना मान लीजिए आपका ध्यान सुनेंगे, ये आपको रांची से निकल रही है ना, अभी जाकर के यहां से कहती है शंख नदी, शंख नदी ना। अब ये कौन सा है, दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल ये जाकर के मिल जाती है उड़ीसा में, गंगापुर, गंगापुर कहां, उड़ीसा, उड़ीसा, गंगापुर उड़ीसा में दक्षिणी कोयल जाकर के मिलती है। तो दक्षिणी कोयल का मुहाना कहां हुआ, कहां मुहाना हुआ, तो शंख नदी में, कहां हुआ, शंख नदी में। अब देखेंगे अब इसका जो है ये शंख नदी कहां से निकलती है, तो शंख नदी ये आपको गुमला से निकलेगी, कहां से निकलती है, गुमला से, गुमला से निकलती है। और दक्षिणी कोयल का सहायक नदी कुछ है, है बिल्कुल है, दक्षिणी कोयल का सहायक एक नदी है कारो नदी, कारो नदी, कारो नदी। तो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन है, कारो नदी। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी पूछेगा तो कारो नदी, दक्षिणी कोयल और कारो नदी पर एक परियोजना बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं कोयला कारो परियोजना। तो कोयला कारो परियोजना दो नदियों के संगम पे, कारो नदी और कोयल नदी पर यहाँ एक परियोजना बना दिया गया। कहां मिल जाएगी, झारखंड में इसका मिलान होता है, नहीं, इसका मुहाना है शंख नदी में, कहां, उड़ीसा में, कहां, उड़ीसा गंगापुर में जाकर के मिल जाती है।
और इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपवाद क्षेत्र कौन कौन से जिला में होकर के बहता है, आप याद रख सकते हैं बिल्कुल ना, याद रखना है। एक तो है रांची ना, रांची होते हुए भी आपको लोहरदगा चली जाएगी, लोहरदगा फिर आपको गुमला चली जाएगी, गुमला के बाद आपको पश्चिमी सिंहभूम में चली जाती है। तो रांची, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम में ये आपको चार जिलों में बहती है, कौन? दक्षिणी कोयल, ठीक है। और हम लोग छोटी छोटी नदियां देख लेते हैं। दक्षिणी कोयल के बाद एक और बहुत इंपोर्टेंट नदी हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मोर नदी। तीसरा कौन पढ़ेंगे? मोर नदी, मोर। इसका एक और नाम है मयूराक्षी नदी। तो मोर नदी या मयूराक्षी नदी की हम लोग देख लेते हैं कि पूछेगा, पहला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि मोर नदी का उद्गम कहां से हुआ है, कहां से मोर नदी या मयूराक्षी नदी निकलती है। तो यह आपको निकलती है मोर नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से कौन सा नदी निकलती है? मोर नदी निकलती है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से आपका निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है? मुहाना किसमें जाके मिल जाएगी? तो इसका जो मुहाना पश्चिम बंगाल में वो हुगली नदी में है, जाके हुगली नदी में मिल जाती है ना। तो हुगली नदी में मिल जाएगी और निकलेगी कहाँ से? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। अब इसका सहायक नदियां और पूछ सकता है क्या कि मोर नदी या मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसका हम एक ट्रिक आपको दे देते हैं, ट्रिक से याद रखिए, ट्रिक आपको लिखते हैं इसका सहायक नदी का आपको एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक है एक बहुत ही आसान ट्रिक है, कहेंगे कि टीपू भाई धो देना, किसी को पीटना है तो क्या बोलेंगे कि टीपू नाम के कोई भाई है, टीपू भाई क्या करना है? धो देना है। टीपू भाई क्या करना है? धो देना है। तो टी से हो जाएगा टिपरा नदी, टी से कौन सा नदी है? टिपरा नदी सहायक नदी है किसका? मोर या मयूराक्षी नदी का। पुस से हो जाएगा पुसरो नदी, और भाई से कौन सा नदी हो जाता है? तो भामरी नदी, और धो से एक है धुआई, धो से कौन सा नदी है? धो से पूछेगा तो धुआई नदी, और देना से एक नदी है देवना नदी ना, ये देवना नदी है। अब देखेंगे मोर या मयूराक्षी नदी से त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलेगी मुहाना, इसका हुगली नदी है, इसका सहायक नदी का आपको एक ट्रिक बता दिए हैं कि टीपू भाई किसी को धोना तो धो देना ना, तो टी से टीपरा, पू से पुसरो, भाई से भामरी नदी, धो से धुआई नदी, और देना से देवना नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी? मोर या मयूराक्षी नदी से। और इसका देखेंगे कौन कौन से जिला में जाकर के बन जाएगी ना, ये देवघर में जाएगी, देवघर से आपको दुमका में चली जाएगी, देवघर दुमका ना, गोड्डा में भी जाती है, गोड्डा साहेबगंज में भी चली जाती है, साहेबगंज। तो ये आपको ना चार जिला याद रखेंगे, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज में ही चली जाएगी। अब हम लोग मोर के बाद अगली नदी हम लोग देखेंगे, चौथा हम लोग पढ़ेंगे अजय नदी के बारे में। चौथा कौन है? अजय नदी। अजय नदी जो है इसका उद्गम, अजय नदी का उद्गम कहां से हुआ है? इसका जो उद्गम है, उद्गम अगर पूछे कि अजय नदी का उद्गम किस जगह से हुआ है, ये आप लोग मारेंगे मुंगेर। कहां से हुआ है अजय नदी का उद्गम कहां हुआ? मुंगेर हुआ है। कहां है मुंगेर? तो बिहार में। कहां है मुंगेर? बिहार से आपका हुआ है इसका उद्गम। मुहाना अगर इसका पूछे कि कहां मिलती है, मुहाना इसका अगर आप देखेंगे अजय नदी, ये भी हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है हुगली नदी में। और अगर आपसे पूछे अजय नदी की सहायक नदी तो बहुत ही आसान है, जयंती और पत्थरों किसकी सहायक नदी है? अजय नदी के सहायक नदी पूछा जाए तो कौन कौन? जयंती और पत्थरों। अगर ट्रिक याद रखना तो याद रख सकते हैं
अजय पर जयंती का माना पत्थर, अजय पर जयंती का मान दिया तो पत्थर, अजय से अजय नदी, अजय से अजय नदी, जयंती से हो जाएगा जयंती नदी, और पत्थर से कहा जाएगा पत्थरों नदी, पत्थरों नदी। ऐसे आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगर अगर पूछे कि किस किस जिला में बनती है, अगर पूछे कि किस जिला में बनती है तो आप क्या बताएंगे, तो ये बताएंगे आपको एक हो जाएगा देवघर, देवघर के बाद आपको दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा, जामताड़ा, देवघर दुमका जामताड़ा, देवघर दुमका और जामताड़ा में ही इसका अफवाह क्षेत्र है। और अगर आप देखेंगे ना पचवा नदी, पचवा नदी ब्राह्मी नदी ना, ब्राह्मणी, ब्राह्मी नदी, पचवा नदी कौन सा, ब्राह्मी नदी, इसका अगर ब्राह्मी नदी का उद्गम पूछे, उद्गम तो ब्राह्मी नदी का उद्गम जो है वो कहां से हुआ है, इसका उद्गम, इसका उद्गम जो हुआ है वो हुआ है दुधवा पहाड़ी, दुधवा, दुधवा पहाड़ी से, दुधवा पहाड़ी कहां, तो दू से दुधवा हो जाएगा, दू से क्या हो जाएगा दुमका, कहां से तो दुमका से। अगर इसका सहायक नदी पूछ दे बाबू, इसका अगर सहायक नदी पूछ दे कि दुमका, सॉरी ब्राह्मी नदी की सहायक नदी कौन है, इसको याद रखेंगे गुमरो, गुमरो एवं एरो, गुमरो और एरो जो है किसकी सहायक नदी है, तो ब्राह्मी नदी के, तो ब्राह्मी नदी के सहायक नदी गुमरो और एरो नदी है। अगर ये देखेंगे ये कहां जाकर के मिलती है, ये भी आपको हुगली में मिल जाएगी, हुगली में ये कहा जाती है मिल जाती है। छठा जो नदी देखते हैं, छठा नदी जिसका नाम है आपको गुमानी, गुमानी नदी, गुमानी नदी, यहाँ से खास क्वेश्चन नहीं पूछता, खाली उद्गम पूछता है कि उद्गम कहाँ से होती है, उद्गम याद रखेंगे गुमान, गुमान में कौन रहता है, जो राजा होता है, तो राजमहल की पहाड़ी, राजमहल, राजमहल की पहाड़ी, पहाड़ी से निकलती है, गुमान में कौन रहता है, जो राजमहल में रहता है, तो इसी याद रखिए गुमानी नदी कहाँ से निकलेगी, राजमहल से निकलती है। और इसका सिर्फ मुहाना है, याद रखिए मुहाना जो है गंगा नदी, गंगा नदी ना इस पश्चिम बंगाल में, कहाँ पश्चिम बंगाल में इसका क्या है मुहाना है, ठीक है। ऐसी है एक सबसे छोटा नदी जिसका नाम है बांसलोई, बांसलोई, बांसलोई नदी, तो बांसलोई नदी का उद्गम, बांसलोई नदी का उद्गम अगर देखिएगा, बांसलोई नदी का उद्गम कहां से हुआ है, ये हुआ है बांस की ही पहाड़ी, बांस की पहाड़ी, बांस की पहाड़ी कहां, गोड्डा से, गोड्डा, बांस की पहाड़ी गोड्डा से इसका क्या हुआ है उद्गम। और इसका भी मुहाना सेम टू सेम वही है मुहाना, अगर इसका मुहाना किसमें जाके मिल जाती है, तो मुहाना देखिएगा गंगा नदी, गंगा नदी वहीं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और अगर देखेंगे छोटी छोटी नदियां इस तरह और हम लोग देख लेते हैं ना, आठवां नदी देख लेते हैं, आठवां है एक चानन, चानन नदी, इसका खाली उपनाम आपसे पूछ सकता है, उपनाम क्या है, उपनाम, तो इसका जो उपनाम है एक है पंचानन, पंचानन, एक और है पंचाने, पंचाने, पंचाने इसका उपनाम है, अलग एक नाम है। और अगर आप देखिएगा याद रख सकते हैं इसका जो उद्गम कहां से हुआ है, उद्गम याद रख सकते हैं इसका जो उद्गम हुआ है बाबू, देखिए चाना, चाना से क्या याद रखना, चाना, चाना क्या होता है बड़ा या छोटा, तो छोटा, छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। एक और छोटी नदी है झारखंड की नदी, अब लगभग समाप्त हो चुकी है, एक है कन्हर नदी, कन्हर, कन्हर नदी, कन्हर नदी कहां से निकलती है, कन्हर नदी सरगुजा, सरगुजा छत्तीसगढ़ से निकलती है कन्हर नदी, और यह आपको गढ़वा ना धुरकी प्रखंड होते हुए यूपी में चली जाती है। तो झारखंड की जितनी भी इंपोर्टेंट